चुनाव चिन्ह है जो अपना बरगद के पेड़ का है और 23 तारीख को इस पर मोर लगाएं। सभी को नमस्कार, मैं संदीप भारद्वाज आज गांव खांडा में मौजूद। जैसा कि हरियाणा में चुनाव का माहौल चला हुआ है और आज हमारे साथ वार्ड नंबर 6 से ब्लॉक समिति से एक उम्मीदवार है, इनसे हम इनकी विचारधारा जानेंगे, क्या कुछ खास मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन किन समस्या को दूर करेंगे, तो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। आपका परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार है, गांव गोइया है और मैं यहाँ खांडा में क्लिनिक है अपना, 10-12 साल से यहीं अपना क्लिनिक है और यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं शुरू से ही। बचपन से मेरा जुनून था भाई या तो आर्मी ज्वाइन किया करेंगे या फिर किसी भी तरीके से समाज की सेवा करनी है, कोई भी जरिया हो, लेकिन अपन समाज की सेवा के लिए ही कदम उठाना है, दूसरी अपने मन में कोई विचार है नहीं। जैसे कि आपने बताया आपका खुद का क्लिनिक है और आप डॉक्टरी लाइन में, तो जैसे आप इलेक्शन में किस प्रकार आए, रीज़न कोई? इलेक्शन में आने का जी वैसे तो कोई मेन पर्पज़ तो है नहीं, लेकिन मेरे मन में मैं सोच रहा था कि कोई समाज सेवा करूं, तो मेरे मन में आया एक दिन कि मतलब ये कर रहे हूँ शुरू से ही डॉक्टरी लाइन द्वारा, समाज सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरे को विचार आया कि भाई जैसे राजनीति में भी इंसान ये नहीं कि भाई गलती होते हैं सभी, राजनीति में आकर भी इंसान कोई भी अच्छा कार्य भी कर सकता है समाज के हित में। अच्छा जैसे हमारे गांव में मंदिर होते हैं, चौपाल होते हैं, इनमें यहाँ पे मतलब कुत्ते घूमते रहते हैं, सफाई नहीं हो पाती यहाँ पे, कोई कर्मचारी नहीं लगाया जाता स्पेशल सफाई के लिए, मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पे कुत्ते घूमते हैं, वहाँ पे कूड़ा करकट डालते हैं लोग, मतलब इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, हमारे धार्मिक स्थल जितने भी हैं। तो मेरे मन में मैं घूमता था पहले भी मंदिरों में और ये जैसे कि जो भी अपनी पुरानी जो भी सार्वजनिक संपत्ति है वहाँ मेरे को शौक है जाने का, घूमने फिरने का, तो इसलिए ही मैंने ये राजनीति में कदम बढ़ाया है। हमारे गांव खांडा में और गोइया में जैसे मंदिरों में चौपाल के अंदर बहुत बुरा हाल हो रहा है, यहाँ पर सफाई का कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा, और मंदिरों में भी मेरी सोच अभी मंदिरों में चौपाल में और समाज के हित में जो गलियों में जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना लोग, उसको मैं जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ। देखिए बहुत बढ़िया लाइन बताई है डॉक्टर साहब ने, आप लोगों से भी मिले होंगे वोट के जरिए, तो उन्होंने आपको कोई मेन समस्या बताई होगी, आपकी तरफ से कोई मेन समस्या दिख रही हो गाँव में? वैसे तो गाँव में समस्या कभी ख़त्म होती नहीं, लेकिन अभी जैसे पानी की और गलियों में जैसे प्रॉब्लम आ रही है हमारे यहाँ गांव में खांडा में, वो नल लगा टुंटी लगाने वाले आए थे, उन्होंने सारी गाल ख़राब कर दी यहाँ पे, मतलब उबड़ खाबड़ कर दी ना, उनको ठीक किया, पैसे अटका ले गए गाँव से, लेकिन यहाँ समाधान कुछ गाँव का हुआ नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पूरा गाँव का समाज का हित हो और हमारा खांडा और गोइया गाँव उभर के मतलब एक आदर्श गाँव के रूप में आगे निकल के आए और ये विकसित गाँव कहलाए दोनों, मेरा यही सपना है मेरे खंडा और गोइया गांव का नाम रोशन हो पूरी भारत के अंदर। जैसे कि आजकल शिक्षा के बारे में प्रचलन चला हुआ, शिक्षा के बारे में क्या कुछ सुधार देखने को मिलेगा अगर आप इस लाइन में रहते? हमारे स्कूलों में जैसे कि यहाँ खंडा गांव में प्लस टू तक का स्कूल हमारा और गोइया गांव में 5वीं तक का स्कूल है, यानी कि खंडा गांव में तो बहुत बढ़िया तरक्की हो रही है स्कूल की, लेकिन हमारे गोइया गांव के अंदर किसी प्रकार की कोई खास सुविधा नहीं है ना, तो वहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी है, बेचारे टीचर हैं जो मास्टर हैं उनको सफाई करनी पड़ती है, वहाँ पर कोई लैट्रिन बाथरूम की विशेष प्रबंध नहीं है वहाँ पर। गांव खंडा में तो प्लस टू तक का स्कूल है लेकिन गोइया में शायद 8वीं तक का है, उसके बारे में क्या सोचा आपने? सर 8वीं तक का भी नहीं है, 5वीं तक का है। 5वीं तक का है, मैं उसको मेरी सोच है मैं आगे जाऊँगा, बड़े से बड़े दरवाजे खटखटाऊँगा और प्रार्थना करूँगा भाई दोनों गाँव को मतलब एक आदर्श गांव बनाया जाए और इंडिया के नक्शे पे शायद इनका दोनों का। डॉक्टर साहब बार बार एक वर्ड बोलते हैं जय श्री राम, एक प्रकार से टैग है इनका, इसके बारे में जानना चाहेंगे ये किस विचारधारा से रिलेटेड है और क्यों यूज करते हैं ये? जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। देखिए सर हम हिंदू धर्म से हैं और हिंदू धर्म में जो भी है उसको जय श्री राम बड़ा ही प्यारा लगता है। हमारे बड़े बुजुर्गों से भी कभी देखना आप आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले भी ये सभी हमारे दादे परदादे क्या बोलते हैं राम राम जी, तो उसमें हमने ऐड कर दिया जय श्री राम। हरियाणा में तो प्रचलित है राम राम जी। हाँ जी बिल्कुल, राम राम जी तो हमारी एक पहचान है, इसके बिना तो हम अधूरे हैं,
और हर हिंदू के मुंह से जय श्री राम निकलता है। और मैं इसलिए भी कहता हूँ जी, मैं बजरंगबली जी को बहुत मानता हूँ और हमारा पूरे हिंदू धर्म में बजरंगबली जी को सभी मानते हैं। और जय श्री राम कहने से मेरे दिल को सुकून मिलता है, लोगों को अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं जिसको जय श्री राम कहता हूँ वो भी मुझे प्यार से जय श्री राम कहते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई सर्वक से भी अच्छा मेरे को अनुभव होता है कि मैं सर्वक से भी कहीं और अच्छी जगह पर आ चुका हूँ, जब मेरे को जय श्री राम का जयकारा कहीं भी सुनने को मिलता है। और राम नाम से तो हम हर हिंदू को ही मतलब संतुष्टि मिलनी चाहिए, हर रोग से और दोष से भी मुक्ति मिलती है। जैसा कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है साक्षात रूप से, और अब ये राजनीति में भी आ रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए सर, भगवान तो भगवान होता है, हम तो इंसान हैं उनके। आप भगवान में ज़्यादा आस्था रखते हो? भगवान में बहुत आस्था है जी मेरी, और मैं तो ये कहता हूँ हर इंसान वो मालिक एक है, सबका है मालिक, और सभी को उस परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। जिस प्रकार माँ बाप होते हैं उसी प्रकार भगवान हमारे सबके माँ बाप हैं, पूरी सृष्टि के रचयिता वही हैं, पालन पोषण भी वही कर रहे हैं। और अगर हम उनको याद नहीं करेंगे तो हिंदू धर्म में आने का हमारा कोई फायदा नहीं। हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो भगवान से प्रेम करो, अपने मंदिरों में सार्वजनिक जहाँ पर भी अपने ये जैसे चौपाल है, तीर्थ है, वहाँ पे सभी का ध्यान रखो, गंदगी ना फैलने दो। मेरा तो सभी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, सबका भला करो और भगवान का नाम लो और अपने कर्म करते रहो, अच्छे का नाम रोशन हो। जैसे कि गांव खंडा में तो बसों की सुविधा बहुत ही अच्छी तरह से, लेकिन आपका गांव गोइयां है, वहाँ पर बसों की अच्छी तरह से मतलब टाइमिंग नहीं है बसों की, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वहाँ पे जी मेरा ये सपना है मेरे गांव के लिए, गोइयां के लिए स्पेशल एक बस लगवाई जाए और उसकी बढ़िया टाइमिंग हो, स्कूलों में भी बढ़िया सुविधा हो जाए वहाँ पर। जो बच्चे बाहर जाते हैं जींद वगैरह कॉलेज या अदर यूनिवर्सिटी में, तो उनको समस्या आती है बसों की, तो अगर बसों की अच्छी सुविधा हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। ये आपकी जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है सर, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। मेरी भी ये च्वाइस है कि मेरे गांव के बच्चे कोई बुजुर्ग है वहाँ महाराड़े अड्डे पर जाना पड़ता है, तो कोई किसी प्रकार का साधन की सुविधा नहीं है। और मैं प्रार्थना करूँगा मेरे खांडा गांव से, गोइया गांव से भी, उनके लिए वहाँ मेरे को कितना बड़ा दरवाज़ा खटखटाना पड़े, मैं ये सुविधा करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब ने जैसे कि बताया कि जितनी भी हो सकेगी करने का प्रयास करेंगे, और जो गांव में जो जो मेन समस्या होती है साफ सफाई, जो बिजली के बारे में क्या कहना है, बिजली की समस्या होती है? बिजली की समस्या तो अभी धीरे धीरे वैसे ख़त्म कर रही है सरकार, धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इतनी। वो केबल लगा दी गई है, पहले वाले वो खुली तार में है, लेकिन मेरा ये सपना है कि दोनों गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो, लोगों को किसी प्रकार की समस्या को फेस ना करना पड़े। मेरा यही सपना है, ये दोनों गांव, यही मेरा सपना है दोनों गांव क्या, मेरा पूरा भारत ही मतलब पूरे वर्ल्ड के मेन फ्रंट पर पहले नंबर पे आना चाहिए। देखिए जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, इनके विचार बहुत ही अच्छे हैं, अगर ये इस लाइन पर आते हैं जैसे राजनीति में आए हैं, पहले डॉक्टरी लाइन में थे, तो ये जो भी मेन समस्या होती है जैसे कि पानी की या बिजली की लगा लो, एजुकेशन की, सबको दूर करने का प्रयास करेंगे, तो गांव वालों से क्या अपील करना चाहूँगी आप? मेरे गांव वाले से ये अपील है कि मैं सारे को खंड और गोइया गांव से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना एक कीमती वोट देकर सफल बनाएं। और मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि एक बार आप मुझे बना के देखो, फिर खंड और गोइया गांव को किस प्रकार से मतलब चमकाते हैं बजरंगबली के आशीर्वाद से, या भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से कैसे चमकाते हैं, फिर आप देख लेना। वो कहते हैं ना, जो मतलब दिखता है ना उसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सूरज चढ़ेगा तो सबको दिखेगा। बहुत ही बढ़िया सोच है डॉक्टर साहब की, और इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, इससे डॉक्टर साहब के विचार हमें बहुत ही अच्छे लगे, और डॉक्टर साहब ने सभी जो मेन समस्या उनको दूर करने का वादा भी किया है। और हमारे साथ यहाँ अच्छा माहौल है डॉक्टर साहब का गाँव में, तो राम 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 भाई, तो डॉक्टर साहब का कैसा माहौल है, क्या कहना चाहोगे डॉक्टर साहब के विचारों के बारे में? भाई साहब, डॉक्टर साहब का बढ़िया माहौल है, बढ़िया कैंडिडेट है, ईमानदार नौजवान साथी है, क्यों नौजवान ही आजकल गांव की देख रेख करते हैं, और इसका माहौल गांव में भाई हमारा बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया है गाँव में माहौल, और इसको बाहरी मतों से विजय बनाएंगे हमारे गाँव से, तो और इसको मान लो हमारे खांडे गाँव से जीत मिल जाएगी,
आपको जो मेन समस्या लगती है वो पूरा कर पाएंगे डॉक्टर साहब? हाँ जरूर करेंगे भाई साहब, इस पर पूरे गांव में उम्मीद है भाई साहब। आप क्या कहना चाहोगे डॉक्टर साहब के बारे में? बढ़िया भी डॉक्टर साहब, दोनों गांव में सबसे बढ़िया कैंडिडेट है, सही सेवा करेगा सारी गाड़ जो सी दादा खेड़ा का आशीर्वाद, सही बढ़िया काम करेगा। तो इधर लोगों के विचार है और साथ में एक और भाई एन सी और जानेंगे तो इसी कड़ी में हमारे साथ एक और भाई एन सी और जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब के विचारों के बारे में क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान है, जो अब पहले डॉक्टरी लाइन में से और अब राजनीति लाइन में आए हैं, और इनको मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी मात्रा में से वोटों से विजय होकर हमारे गाँव का विकास कर सके। बहुत है साहब के, इनको और क्या कहना चाहोगे? पूरा गांव खांडा और गोया मेरे साथ है, मेरे ऊपर बहुत प्यार बना रखा है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक माता बहन सभी ने मुझ पर पूरा आशीर्वाद बना रखा है, और मुझे पक्का विश्वास है दादा खेड़े की दया से, भगवान परशुराम और बजरंग बली की दया से विजयी बनाएंगे दोनों गाँव मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरे से इन्हें बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, और मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि हम ये जो हमने मिशन छेड़ा है इसको इसमें सफल होएं और समाज की और गांव की और अपने देश की सेवा करें, देश में से बुराइयों का नाश करें, और अपने मंदिरों में तीर्थ स्थलों में जहां पर भी गंदगी है उनकी सफाई करें। पूरा खांडा को या गाँव का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सिया राम, मेरे को बहुत सुकून मिलता है, मैंने शास्त्रों में भी देखा है और बड़े बुजुर्गों से भी सुना है भाई, जा पे कृपा राम की हुई ता पे कृपा करे सब कोई, और भाई देखो राम के नाम से तो पत्थर भी तैर जाते हैं, और हम तो फिर भी इंसान हैं, अगर सच्चा प्रेम करेंगे भगवान से, भगवान हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे, और मैं सभी से खांडा और गोया गांव से ये अपील करना चाहता हूँ, मैं ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 6 और अपना बरगद के पेड़ का निशान है, चुनाव चिन्ह है जो अपना बरगद के पेड़ का है, और 30 तारीख को इस पर मोर लगाएं और विजयी बनाएं, हमारी जीत आप सबकी जीत होगी और समाज का विकास होगा, और आप सभी को जय श्री राम तहे दिल से, और बार 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 उनको कोटि कोटि प्रणाम मेरा दोनों गांव को। तो ये थे हमारे साथ अनिल डॉक्टर साहब जी, और इन्होंने अपने जो विचार है वो व्यक्त किए हैं, और इन्होंने दावा ठोका है कि जो मेन मेन समस्या उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो तो दर्शक है, आप कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर साहब के कैसे विचार लगे हैं, और गांव वाले से इन्होंने अपील भी की।